Hi students, how are you? I hope you all are good. घर में है और safe है. तो आज आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे? तो मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आया हूँ. कौन से स्टैंडर्ड के लिए? फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए. अब जो थर्ड वाले थे वो फोर्थ में आ गए हैं. तो आप बड़े हो गए हो, तो इसलिए मैं आप लोगों के फोर्थ के क्लास के लिए आया हूँ. सब्जेक्ट है आप लोगों का हिंदी. तो हिंदी में आप लोगों को जानकारी है कि हम जब शुरुआत करते हैं तो बेसिक से करते हैं. तो आज भी मैं आप लोगों को बेसिक समझाना के लिए यहाँ पर आया हूँ कि बेसिक में हम लोग क्या क्या लेते हैं. इसका अनुभव आप लोगों को है, यानी आइडिया है ना, हाँ होगा ही. फिर भी हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हम यहाँ पर बेसिक में क्या लेते हैं. तो आइए एक नजर हम ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें. यहां पर मैंने कुछ स्वर और व्यंजन दिया है जो आप लोग फर्स्ट एंड से लेकर और फोर्थ में आ गए हो तो भी आप लोगों को मैं चीज समझा रहा हूं. स्वर अ आ ई ई उ ऊ ऋषि ए ओ ओ अ आ, ये हमारे स्वर है. ये आपको बखूबी पता है. उसी तरह हमारे व्यंजन है क ख ग घ ड च छ ज ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ व म भ म य ढ ल व श श श ह क्षत्रिय त्र और ज्ञ. ये हमारे व्यंजन हैं. तो आप लोगों को बखूबी आइडिया होगा कि इससे ही हमारे हिंदी के शब्द तैयार होते हैं. क्यों? क्यों? क्योंकि हमें स्वर में से अक्षर के साथ मात्राएं भी मिलती है. उसी तरह हमें व्यंजन में शब्दों के साथ में हम मात्राओं को जोड़कर हिंदी के जो शब्द हैं वो तैयार होते हैं. तो आओ मैं आप लोगों को समझाता हूं कैसे और किस तरह से. आप लोगों ने बारह खड़ी की बात तो सुनी होगी और आपको आती भी होगी कि हम मात्राओं को मिला के कैसे बारह खड़ी बनाते हैं. तो उन बारह खड़ियों में से ही हिंदी के शब्द तैयार होते हैं, वो मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ. तो चलिए हम वो चीज देखते हैं. तो मेरे यहाँ पर आप लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में पता है और मैंने कहा कि आगे हम देखते हैं कैसे. तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो स्वर है उसको रहने दिया है, रफ नहीं किया है, बट बारह खड़ी लिखी है आप लोगों के लिए. बारह खड़ी का आपको वर्ब भी याद होगा कि क की लाइनें, ख की लाइनें, ग की लाइनें, ध ख की लाइनें. हम ये चीज बारह खड़ी लिखते हैं और उसमें ये मात्राएं लगाते हैं. अब आप लोगों को याद होगा कि मात्राओं से हमें कैसे अक्षर हमारे तैयार होते हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ना क ले लिया, समझिए क लिया, ठीक है. क पे कोई मात्रा लगाएंगे हम और अगर कोई शब्द तैयार करना हो तो अकेला तैयार होगा नहीं, इसके लिए हमें और एक शब्द की जरूरत पड़ेगी. तो हमने क के साथ में फिर क ले लिया, बराबर. अब ये क्या शब्द बन रहा है? क क कोई शब्द बन रहा है नहीं. अब यहीं पे जहां पर हमने एक मात्रा लगा दी आ की का के साथ में, तो क्या तैयार हो गई है हमारा? काका. काका हम किसको कहते हैं आपको पता है ना? हाँ, अंकल को. तो काका. उसी तरह से क ले लिया हमने, उसपे आ की मात्रा लगाई, फिर क लिया और ई की मात्रा लगाई तो काकी बन गया, यानी आंटी. काका और काकी. तो आप लोगों ने देखा कितना फर्क है. इसमें हमने आ का ही शब्द लगाया है, यानी आ की शब्द लगाई है, लेकिन इसमें हमने आ का भी शब्द लगाया है और ई की भी शब्द लगाई है, तब जाके ये काकी बनी है. उसी तरह से सारे शब्दों पे अलग अलग मात्राएं लगती हैं और अलग अलग मात्राओं से ये शब्द तैयार होते हैं. अब जैसे लिखते हैं हम एक और एक शब्द ले रहा हूं ख. ख अकेला है, कोई शब्द आ रहा है नहीं, तो और एक लेता हूं न. कोई शब्द है नहीं, ख न कोई शब्द है नहीं, लेकिन अगर इसमें मैंने की मात्रा लगा दी तो ये क्या तैयार हो गया? खाना, यानी जो हम रोज खाते हैं खाना. उसी तरह से ये शब्द बन गया, लेकिन इसमें अलग क्या है, इसमें सिर्फ हम लोगों ने
आखिरी मात्रा ही लगाई है। अब उसी तरह से यहाँ पर मैं क लिखा, फिर और लगाया, कोई शब्द हुआ नहीं, लेकिन क पे ओ यानी बड़े बड़े ओ की मात्रा लगाई, क और आ, कौआ, कौआ हो गया। तो ये शब्द भी क्या है, एक आ गया। इसी तरह से क्या है, हम एक शब्द को हर एक जो मात्रा है वो जोड़कर हम शब्द तैयार करते हैं। जो आप लोगों को सबसे ज्यादा लिखने और सबसे ज्यादा बुक रीडिंग में आपको जरूरत पड़ेगी, क्यों, बुक के अंदर अलग अलग मात्राओं से सारी जो वाक्य बने होते हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों के स्वर व्यंजन और बारह खड़ी पता की, और मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे ये कुछ शब्द तैयार करके दिए हैं जो आप लोगों को घर पे लिखना और याद करना दोनों ही जरूरी है। फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, बाय, हैव अ नाइस डे।